आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जगदीशपुर में राज्यव्यापी मांग दिवस के रूप में मनाया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से मांग किया कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के अलावा कोरोना मरीजों को उचित दवा मिलनी चाहिए। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद किए। साथ ही भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यथाशीघ्र सदर अस्पताल के अलावा सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दवा की मुफ्त व्यवस्था किया जाए ताकि कोरोना जैसे महामारी से आम जनता को बचाया जा सके। साथियों, आज भाकपा माले का पूरे बिहार में राज्यव्यापी मांग दिवस मनाया जा रहा है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे बिहार और केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार का व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए और प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं और कोरोना इस दूसरी लहर के कोरोना में यहाँ पे लगातार 2500 लोगों की मौत हो रही है और बिहार में व्यवस्था इस तरह से चरमरा गई है कि हमारे जो विधायक हैं डॉक्टरों का काम कर रहे हैं, दिन रात सदर अस्पताल में डटे हुए हैं। और हम ये बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करें।